नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे गाय को बच्चा करते समय बच्चा क्यों फंस जाता है। ऐसा दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसान भाई के गाय जो है बच्चा करने वाली होती है तो उसे कभी कभार ऐसा देखने को मिल जाता है कि बच्चा फंस जाता है और बहुत मशक्क़त के बाद बच्चा बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ऐसा आप लोग क्या गलती कर देते हैं, इसके विषय में दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बताने से पहले ये कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर। हम बात करते हैं कि जो गाय बच्चा करती है तो बच्चा क्यों फंस जाता है, इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है। दोस्तों, ऐसा बहुत जो है बड़ा कारण इसमें सामने आया है जो किसान भाई नहीं जान पाते और गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। गलती आपको क्या कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी गाय जो है कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसके हिसाब से आप जो है सीमन कराएं। ऐसा दोस्तों होता है कि गाय देसी है, छोटी है, तो आप दोस्तों उसमें EHF का जो है सीमन करा देते हैं, 100% EHF का करा देते हैं, साहीवाल का करा देते हैं। तो दोस्तों, EHF की गाय जो है बछड़ी जो होती है बड़ी होती है, और जो साहीवाल की गाय होती हैं वो भी बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं। तो उसके कारण दोस्तों बच्चा नहीं निकल पाता, तो बच्चा फंस जाता है बड़ा होने के कारण। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपने गाय को सीमन कराना चाहते हैं तो आपकी जैसी गाय है छोटी बड़ी उसके हिसाब से ही आपको सीमन कराना है, तब दोस्तों इस जो है समस्या आपको कभी नहीं होगी। ऐसा होता है दोस्तों कि अगर देसी गाय है तो आप EHF के भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज होता है, उसमें भी बताया जाता है कितने परसेंटेज डलाएंगे, तो उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं। सभी दोस्तों चाहते हैं कि हम नस्ल सुधार करें, जो देसी गाय हैं उससे थोड़ा अच्छी नस्ल निकले और दूध ज़्यादा दे। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है खासकर कि जैसे आपकी गाय जो छोटी हो बड़ी हो उसके हिसाब से ही सीमन कराएं। अगर गाय छोटी है तो उसके हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेकर के आप सीमन करा सकते हैं। अगर आपकी गाय बड़ी है तो आप EHF कराएं, साहीवाल कराएं, सिंधी साहीवाल कराएं। बहुत सारे ऐसे नस्ल हैं, गिर गाय हैं जो भी देसी में पाई जाती हैं लेकिन अच्छा दूध देती हैं, दूध उनका मोटा होता है। तो दोस्तों, उसके हिसाब से आप तालमेल देख करके ही कराएं। अगर बड़ी जाति की है तभी आप जो है बड़े जाति वाले के जो गाय के जो बच्चे होते हैं सीमन होता है वो करा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के जो है मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।